राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जयपुर द्वारा पूरे राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को 10 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस हड़ताल का कारण राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर अधिक वैट दर है, जिससे राजस्थान के पेट्रोल पंप डीलर प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जयपुर, उनके आह्वान पर पूरे राजस्थान में आगामी 13 तारीख से एक समयबद्ध हड़ताल का आयोजन किया गया है। और यह हड़ताल का आयोजन जो है वो वैट के संबंधित विसंगति को लेकर किया गया है। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वैट की दर अगर है तो वह राजस्थान में है, और उस वैट की दर के कारण से सभी पेट्रोल पंप इससे प्रभावित हैं। बॉर्डर के पंप तो सारे लगभग बंद हो चुके हैं, और शेष जितने भी पेट्रोल पंप हैं वे भी न्यूनतम डीजल भरवाकर और गाड़ियां पड़ोसी राज्यों में जाकर और डीजल भरवाती है। इसलिए औसत रूप से सभी प्रभावित हुए हैं, और साथ में जो महंगाई की जो दर है वो भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसी के कारण से है। हमको किसी भी प्रकार की राजनीतिक रूप से कोई विद्वेष की बात नहीं है। हमारी तो मांग है कि राजस्थान राज्य की जो बिक्री है वह अन्य राज्यों से अच्छी रहे, लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। उनको तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इस वैट के प्रतिशत के कारण से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन जो बिक्री कम हो रही है उसके कारण से रेवेन्यू कम हो रहा है। तो इस बात को लेकर, और हमने पहले भी कई बार RPDA ने ज्ञापन दिए हैं, उस बात की सुनवाई आज तक नहीं हुई है, और अब हमारे लिए तो आर पार की लड़ाई का मामला हो गया है। 13 और 14 इन दो दिनों में 10 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक डीजल पेट्रोल बंद रहेगा, और 14 तारीख तक भी अगर किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा? आज ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का दिया गया है, जिला कलेक्टर को, SP को, जिला रसद अधिकारी को देकर उनको इस बात से अवगत करवाया गया है कि RPDA के आह्वान पर जो हड़ताल हो रही है उसमें बाड़मेर जिले के सभी पेट्रोल पंप इस हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर वैट की दर राजस्थान में है, जिससे गुजरात बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लोग गुजरात जाकर पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आज राजस्थान में महंगाई दर भी ज्यादा है। पेट्रोल डीलरों ने बताया कि इससे पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिए मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई है, और इस बार यदि 13 और 14 तारीख को हड़ताल के बाद समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो वह 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।